एट्थ क्लास हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रखा था, प्लेइंग विद नंबर्स, और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यूनिट 13 के अंदर है। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम्पलर्स में से, ताकि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स हम पहले से जानते हैं इसके। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। थ्री डिजिट नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं? हमारे पास थ्री डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 100x प्लस 10y प्लस जेड। करेक्ट आंसर इज बी। एग्जाम्पल नंबर टू है हमारे पास 100a प्लस बी प्लस 10c, ये कौन सा नंबर है? तो ये अपने पास आ गया पहले a, फिर c, फिर b, a c b, इसका आंसर d आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई a। अगर हम 5 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? c a, ये एक नंबर है हमारे पास। तो a और c की वैल्यू क्या हो सकती है? तो चलिए ऑप्शंस पुट करके देखते हैं। अपने को पता है कि देखो लास्ट डिजिट तो दोनों का सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर पुट करते हैं। अगर हम इसकी जगह ए ऑप्शन रखते हैं, ए की वैल्यू रखते हैं 5 और सी की वैल्यू रखते हैं 1, तो इसको आप करेंगे 5 5 25, यहाँ पर कितना आया 15, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन रखेंगे, तो आप इसमें ऑप्शन रख के देखेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन है जिसको सही सेटिस्फाई कर देगा, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, 5a प्लस 25 इज इक्वल्स टू बी टू, देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 5a प्लस 25। इसका मतलब हुआ कि आप इसको ऐड करेंगे तो a प्लस 5 तो है हमारे पास 2, a प्लस 5 2 कब आ सकता है? जब a की वैल्यू 7 हो, ठीक है। जब a की वैल्यू 7 हो तभी तो 7 और 5 12 होगा और एक कैरी जाएगा ऊपर, ठीक है। या इसके अलावा कोई और तरीका है इसको लेकर आने का? 2 मुझे नहीं लगता है इसके अलावा। चलिए ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 7 आई, ठीक है। अच्छा जी, और 5 और 2 7 और एक आया था कैरी 8, तो बी की वैल्यू आई 8, ए की वैल्यू आई थी 7, तो 7 और 8 15, तो इसका आंसर कितना आया? 15, करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है अपने पास। फर्स्ट एग्जांपल है ए बी माइनस बी ए, जहाँ पे ए और बी कोई भी नंबर है और ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो ए बड़ा है बी छोटा है, तो हम इसमें क्या करते हैं? अपनी तरफ से कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 21 मान लेते हैं, तो दिस इज़ 21, तो ये क्या हो जाएगा? 12, 21 में से 12 माइनस करोगे तो 9 आएगा। कोई और नंबर ले लो, इसको 31 मान लो, 31 और यहाँ पे कितना आएगा फिर 13, उल्टा हो जाएगा ना, तो उसको माइनस करोगे तो 18 आएगा। तो जब भी ऐसा केस आए वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारे पास एक नंबर है ए 100a प्लस 10c प्लस 9, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ए सी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब है ए बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 9b, ए बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू 9b, देन ए कितना होगा और बी कितना होगा? तो बी को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी ही आएगा, तो ऐसा एक ही केस में हो सकता है जब बी की वैल्यू 1 हो, या फिर बी की वैल्यू 5 हो, 5 भी तो हो सकती है ना, तो 5 5 25 होता है। चलिए उसके बाद है बी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ रहा है, तो 5 अगर आप मानते हैं इसको, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 रही होगी और a की वैल्यू 9 रही होगी, तो आंसर आ गया अपने पास 9 एंड 1, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए बी सी ए बी एंड बी सी ए, ये तीनों के तीनों, देखो इनके सिर्फ डिजिट ही चेंज किए हैं, आर थ्री डिजिट नंबर्स फाउंड बाय ए बी एंड सी, देन द सम ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37। ये हमने पार्ट वन में किया था कि थ्री डिजिट नंबर के अगर हम डिजिट्स को चेंज करके उसको ऐड करते हैं तो 37 से डिवाइड होता है, ठीक है। और ये वाला आपने, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट वाला हमने अभी भी किया है कि ए बी दो डिजिट नंबर है, अगर हम उसको डिजिट को इंटरचेंज करके ऐड करें या डिजिट को इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों में अलग अलग बात है। अगर सब्ट्रैक्ट होता तो 9 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ऐड किया है तो 9 से नहीं, वो 11 से होगा, ठीक है। आप इसको करके दे सकते हैं, दिस इज 10a प्लस b, दिस इज 10b प्लस a, तो 11a प्लस 11b आएगा, ठीक है ना। तो ये हम पार्ट वन में कर चुके हैं, एक बार आप उसको ध्यान से नोट करना फिर से। चलिए एग्जांपल नंबर 10 है हमारे पास, एक नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 4, एक नंबर है 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो उन दोनों के उससे होगा, क्या कहते हैं, मल्टीपल से होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तब वो 2 और 4 से होगा, ये ज़रूरी है, लेकिन 2 और 4 से हो रहा है लेकिन 8 से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं हम 12 अपने देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, 4 से डिवाइड हो रहा है, यस, लेकिन 8 से नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं।
तो एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास, एक 3 डिजिट नंबर है 42x डिविजिबल बाय 9। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का सम या तो 9 के इक्वल होना चाहिए या 18 के या 27 के। तो 4 प्लस 2 सिक्स, सिक्स को अगर हम 9 के इक्वल रखेंगे तो सही है, क्योंकि हमें पता है एक्स एक 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ओके, 3 आ गया आंसर। ठीक है, आपको निकालनी है ए और बी की वैल्यू निकालनी है, अगर हम इसको इस तरह से ऐड करते हैं तो ए प्लस 4 2 है, तो ए प्लस 4 2 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 8 आनी चाहिए, या ए की वैल्यू 8 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ ऐसा 4 में क्या ऐड करें कि लास्ट में 2 आए, तो 8 ही हो सकता है, तो ए की वैल्यू तो अपने पास 8 आ गई। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आया अपने पास 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी के अंदर हमें क्या आएगा, बी कैसे आएगा अपने पास, कि द वैल्यू ऑफ बी कैन बी ऑब्टेन बाय सॉल्विंग 2 प्लस बी इज अ नंबर हुज वन डिजिट इज 1, सो बी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो बी अपने देखो इसको यहाँ पर है, ये बी ये इतना दूर लिखा हुआ है ना, ये लग रहा है हमें, लेकिन थोड़ा इसके पास ही है ये। ठीक है, ये 4 के नीचे नहीं है, 1 के नीचे है, तो हमने इसको ऐड किया था तो ऊपर कैरी किया था 1, तो ये कितना हो गया था, 2 हो गया था, 2 हो गया था ना, तो 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 में ऐड करें और लास्ट में 1 बचे, तो 9 ही है शायद, हाँ 9 है, तो बी की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए नंबर इज डिवाइड व्हेन डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 1। सो 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 4, और 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, तो वो नंबर क्या होगा, 9 होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ये एक्सरसाइज की जो वर्कशीट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, और आपको अपने अपने ग्रुप्स में भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।